जो सिख समाज के लोग आएंगे राजगीर में उस समय, तो उनका अभिनंदन करिएगा ताकि लोगों को यह महसूस हो कि राजगीर की जो जगह है वो ऐतिहासिक जगह है, प्रेम और सद्भावना की जगह है और बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है, तो और बड़ी संख्या में लोग आते रहेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से आग्रह है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और अब तो चूंकि बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, कलाकार गण आए हुए हैं, मैं सब उन लोगों का अभिनंदन करता हूं और आपको राजगीर महोत्सव के इस अवसर पर मैं पुनः बधाई देता हूं। और इसी तरह का और एक काम हमने कह दिया था पहले, जरा नए कलेक्टर साहब ध्यान दीजिएगा, आई संजय अग्रवाल साहब जी अब कलेक्टर नहीं, अब कमिश्नर हैं, तो ये सब भुलाइए उलाइएगा मत। हम जो शुरू से न कहे थे कि जो राजगीर महोत्सव होगा तो इस महोत्सव में कम से कम राजगीर में जो युवा वर्ग है, लड़के लड़कियों के बीच में कहिए, कला को इतना प्रोत्साहित करिए कि सब आपस में वो भी कला का प्रदर्शन करे और उसमें कंपटीशन कराइए और उसमें अवार्ड देना है हम लोगों को। ये बात हमने कहा था और देखिए उस पर ध्यान कम दे रहे हैं कलेक्टर साहब और ये कमिश्नर साहब, ये दोनों ध्यान दीजिएगा, इसको जरा मॉनिटर करिएगा। मीना जी आप गौर से मॉनिटर करिएगा, क्योंकि पंचायती राज भी आप देख रहे हैं और ग्रामीण इलाका है, तो पूरे तौर पर सबके बीच में कला को बढ़ावा देने के लिए हमारे जितने स्टूडेंट हों, जितने युवा पीढ़ी के लोग, उन सबों के बीच में इसको प्रोत्साहित कीजिए। अब पर्यटन विभाग के लोग और उसके साथ साथ कला संस्कृति विभाग के लोगों को भी ध्यान देना है कि पूरा इस कार्यक्रम का जो आयोजन होता है उसके पहले कंपटीशन हो जाना चाहिए और उसमें जो सफलता हासिल करे उसका भी कार्यक्रम, जो बाहर के हमारे बड़े बड़े कलाकार आते हैं उनका कार्यक्रम तो आयोजित करेंगे ही, लोग आनंद से उसको देखते हैं, उसमें भाग लेते हैं, लेकिन अपने जिले में भी जो नई पीढ़ी के लोग हैं उसमें कला को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है। हमने पहले भी सुझाव दिया था, एक आध साल कुछ किए थे लोग, अरे अभी भी कहां उतना बढ़िया से हो रहा है जी, आप प्रभारी हैं सच मंत्री, तो उसको देख लीजिएगा और बड़े पैमाने पर और उनको पुरस्कृत करना चाहिए ताकि जो यहां से अच्छी कला का प्रदर्शन करेंगे उनको बिहार ही नहीं बिहार के बाहर भी अवसर मिलेगा। तो भैया ऐतिहासिक जगह है, खुद को काम कीजिए। तो इन्हीं सपनों के साथ मैं आप सबको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।